आज रोमर रिंग्स रो पड़े सबके सामने। गाइस आज था WWE की पेपर व्यू मनी इन द बैंक 2023 और आज देखने को मिले एक टैग टीम मैच। एक तरफ थे रोमर रिंग्स और सोलो सिकोवा, उनके ओपोनेंट थे जिमी उसो और जे उसो, और ये मैच काफ़ी बढ़िया हुई और पूरे मैच में सोलो सिकोवा रोमर रिंग्स डोमिनेट किया। लेकिन इस फाइट के एक मोमेंट पे रोमर रिंग्स धक्का दिया रेफरी को और इसके बाद रेफरी रिंग से नीचे गिर गए और सोलो सिकोवा रोमन मिल के यूसोस को बहुत अटैक किया। लेकिन कुछ देर बाद रोमन स्पीयर मार दिया जे उसो को और इसके बाद जैसे जे उसको किक आउट किया तब जे उसो का हाथ लगा रोमन के अखरोटों में। और आपको तो पता है कि अखरोट बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, अगर अखरोट में अटैक किया तो गाय काम से, और इसलिए रोमन को बहुत दर्द हो रहा था और रोमन अपने आंसू को रोक नहीं पाए और मैच के दौरान रो दिए रिंग में। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि इसके बाद जिमी उसो और जे उसो मिलकर एक साथ अटैक किया रोमन को और दे दिया डबल सुपर किक और रोमन को पिन करके इस मैच में बीट किया। और गाइस आपको मैं एक बात बता दूं कि 3 साल बाद रोमन रिंग्स पिन हुए और ये पिन किया जे उसो, और इसके बाद रोमन रिंग्स और भी इमोशनल हो गए और बहुत ही गुस्सा करने लगे अपने ऊपर और गुस्से के दौरान रो दिए। तो आज के मनी इन द बैंक पेपर व्यू में रोमन रिंग्स रो पड़े कैमरे के सामने और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे।